देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कराना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। मेरी पहले जो कंडीशन थी वो आपको दिख रही है पिक्चर में, कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था। हेयर फॉल होने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही एक लास्ट ऑप्शन होता है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट आप इनिशियल स्टेज पर रोक सकते, स्टार्टिंग में रोक सकते हो, जब आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जब आपका गंजापन दिखने लगे, तो ये समझ लो कि हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको बचा सके। ठीक है, तो आप तो बाकी और बहकावे में आने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, ये बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना बिल्कुल आसान है। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, आज 14-15 महीने हो चुके होंगे, तो इतने महीने बाद मेरी जो कंडीशन है आपको बालों की दिख रही है। ठीक है, मेरा जो ये है अभी रिजल्ट, ठीक है, इतने मेरे बाल आ चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हेयर फॉल होता है फिर बाद में। ये हेयर फॉल क्यों होता है? या तो हमारे जो एग्जिस्टिंग हेयर थे, जो पहले वाले बाल थे, क्योंकि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये बाल थे, या तो ये वाले बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, या तो ट्रांसप्लांटेड हो रहे हैं। अब इन सबको हमें मेंटेन भी करना होता है। मेंटेन करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। कभी कोई मेडिसिन आती है जो डॉक्टर देते हैं, जो प्रेफर करते हैं, PRP होती है, वो भी डॉक्टर प्रेफर करते हैं, तो आप लेते रहिएगा टाइम टू टाइम। आपका हेयर फॉल ऐसा नहीं है कि आपका होता जाएगा और आप गंजी हो जाएंगे। हेयर फॉल तो इतना नहीं होता, फिर भी डरते हैं, पहले से डर लगता है कि ऐसी कंडीशन ना हो जो पहले थी। इसलिए उससे बचने के लिए हमें समय समय पर उपाय करना चाहिए। ठीक है, हेयर फॉल ताकि इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि गंजापन का सामना कर सकें। इसलिए मैंने डॉक्टर से बात की, फिर डॉक्टर ने एक हेयर मैटर के नाम से एक मेडिसिन का पूरा बॉक्स आता है, उसको सजेस्ट किया है उन्होंने, तो मैं उसको ले रहा हूँ। उसका रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा, और उस रिजल्ट उसको खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला बॉक्स है, उसको खाने का तरीका क्या होता है, 6 बॉक्स हैं, दो दो सब बॉक्स में, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दो दो करके खाना होता है। इसका जो चार्ट डला है इसको आप देखिए, इसमें खुद ही लिखा है कि आपको मंडे को 1 और 2 नंबर लेना है। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे एक दिन में 2 टैबलेट लेना है। ठीक है, इन दोनों टैबलेट को लेंगे और 1 महीने तक हम खाएंगे, मतलब लगभग 28 दिन के समथिंग हो जाता है। तो इतने दिन में जो हमारी टैबलेट हम खाएंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या होता है, हमारे बालों की कंडीशन क्या होती है, कितने बाल रुकते हैं, कितने बाल झड़ते हैं, क्या हेयर फॉल में कोई इससे सुधार आता है, तो हम इस बारे में इस पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम इसी को लेके आएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके और आप भी वो चीज़ लो। यदि ये काम का नहीं होगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप लोग, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, मैंने जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट है आज के 1 साल पहले कराया था, मई के महीने में। ठीक है, तो लगभग 15 महीने के समथिंग है। तो मैंने जब ट्रांसप्लांट अपना कराया था तो वो मैंने भोपाल से कराया था, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक की एक ब्रांच है, वहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर अंकित जैन ने किया था, बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट करते हैं और रिजल्ट आपको दिख ही रहा है, बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन बनाते हैं, काफ़ी अच्छा उनको आइडिया है करने का। मैंने तो कराया था, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया उसके बाद मुझे पता चला कि कितना अच्छा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, कुछ बहुत लोगों को ये रहता था कि मैं अपना नंबर नहीं डालता था, अब आज से आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता रहूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि इतने लोग ना बढ़ जाएं कि मैं बात ही नहीं कर सकूं, इसलिए मैं नंबर नहीं डालता था। अब कम लोग ही हैं, तो ऐसा है कि जितने लोग हैं हमसे जो भी सजेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी आप लोग वही लोग मुझे कॉल करें जो लोग बिल्कुल सीरियस हैं, जिनको कराना ही है, टाइम पास करने वाले, प्लीज़ बिल्कुल परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ फ्री में सजेशन दे रहा हूँ, मैं तो आपसे ये भी नहीं बोलूँगा कि आप किस क्लिनिक से कराओ। ठीक है, आपको तो जहाँ से कराना वहाँ से कराओ, बस मुझे ये है मैं बता दूँगा कि ऐसे ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसका रिजल्ट भी तो देखना है। ठीक है, तो वो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, और जो भी क्वेरी होगी तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, कोई छोटी सी बात के लिए कॉल मत करिएगा। ठीक है, कोई भी बात हो तो कमेंट कर दीजिए और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। फिर मिलते हैं अपन ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो को, जिससे आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिल सके। ठीक है, थैंक यू।